एक्सरसाइज चलते हैं 10.2 पे, ठीक है, पर्सनालिटी 10.2। एग्जांपल देखा जाएगा लास्ट में, इसमें एग्जांपल में बताने वाले दो चार क्वेश्चन है, चैप्टर पढ़ा लेने के बाद लास्ट में आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसमें से ऑप्शनल क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन उसको बनाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये वृत्त ले लिए, अब इस वृत्त का यहाँ केंद्र ले लेते हैं और एक जो है एक बिंदु क्या है, क्यू है, ठीक है, बाहर एक बिंदु ले लेते हैं क्यू। अब इस क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा ये हो गई, ठीक है, एक स्पर्श रेखा हो गई, इसको केंद्र से मिला देते हैं, ठीक है, मिला दिए। अब यही क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिंदु यानी कि ये बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक स्पर्श रेखा ये है, इसकी लंबाई क्या है, 24 सेंटीमीटर है। तो इस स्पर्श बिंदु का कुछ नाम देते हैं पी, ठीक है, चलिए ये पी नाम दे दिए। अब क्या कह रहा है, तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए तो ये 25 सेंटीमीटर यहाँ देते हैं, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इस केंद्र को मान लेते हैं ओ, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी ये ओपी ना, वृत्त की त्रिज्या यही ना होगी ओपी, चलिए तो इस ओपी को मिला दीजिए। तो आपको सिंपल सा ये तो पता ही है कि यहाँ जो होगा कोण 90 होगा, यहाँ एंगल 90 होगा। कैसे 90 होगा, तो आपको पता है प्रमेय में पढ़े हैं कि वृत्त के केंद्र से है ना, किस पे, तो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या लंब होती है, ठीक है, लंब होती है, इसीलिए एंगल ओ पी क्यू बराबर जो होगा 90 हो जाएगा, ये 90 इसीलिए होगा, समझ गए। अब देखिए आपको ये त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ पाइथागोरस लगा दीजिए, तो ओ पी बराबर आप नहीं लिख सकते हैं, रूट अंडर ओ क्यू का स्क्वायर माइनस में पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस में 24 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 ना, ठीक है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, या घटाएंगे तो रूट 49 यानी कि 7 सेंटीमीटर यहां से आ जाएगा आंसर, समझ गए ना, 7 सेंटीमीटर ए नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन